नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये आदेश जारी हुए हैं। कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश भी हैं। लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। बंद जगहों पर आयोजन में 100 लोग शामिल हो पाएंगे। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 50 लोगों को अनुमति है। मॉल, सिनेमाघर, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध है। रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। लखनऊ से रवि जुड़ गए संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, क्या कुछ है इन गाइडलाइन में? बातें इसमें अगर बात करें तो विधानसभा के आसपास किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन है वो नहीं हो सकता। उसके अलावा जिस तरीके से भी हमारी का दौर चल रहा है तो इसमें जो भी जरूरी निर्देश हैं उन सभी का पूरी तरीके से पालन है, वो किया जाना है। और त्योहार के मद्देनजर तमाम सारे जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। 144 से वो लगातार अभी जारी रहेगी। हालांकि पहले भी 144 आने लखनऊ में लगी गई थी, अब इसको और आगे बढ़ाया गया है। JCP लॉ एंड ऑर्डर है, पीयूष मोर्जिया की तरफ से ये यूपीएस नोट के जरिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर है जरूरी कदम वो उठाए गए। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं हो सकती है। अगर बात करें तो जिस तरीके से कोविड का काल चल रहा है उसमें भी जो सभी निर्देश हैं उनका सभी पूरी तरीके से पालन करने के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता रवि हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई और कड़े नियम। पीएम मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में 10,000 करोड़ से बने खाद कारखाना एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में हैं और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है, इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाना एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के श्लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के
2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा रैली की। मेरठ के दफ्तुआ में इस परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे गठबंधन का ऐलान पूरा है, अखिलेश जी और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार देंगे। वहीं जयंत चौधरी के बाद सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भीड़ के लिए मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और किसानों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरठ के लोगों को नमन करते हुए अखिलेश ने चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत को भी याद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब गठबंधन का पहला कार्यक्रम हुआ था उसी दिन ऐलान हो गया था कि अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। आज का ये जनसैलाब और जोश बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा और हमेशा के लिए डूबेगा। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो, लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, आरएलडी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करे। आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने के लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। सपा रालोद की संयुक्त रैली में क्या कुछ देखने को मिला, आइए जानते हैं। मेरठ में हुई गठबंधन की परिवर्तन संदेश रैली में पहुंचे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का पूरा भाषण किसानों और नौजवानों पर केंद्रित रहा। दोनों ही नेताओं के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अखिलेश यादव ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को बचाने का संकल्प भी दिलाया और ये संदेश भी देने का काम किया कि दोनों ही दलों का ये गठबंधन यूपी में परिवर्तन जरूर करके रहेगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का ये गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। सनु शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की परिवर्तन संकल्प रैली के बाद सपा और रालोद नेताओं में भी नया जोश भरा है। इससे साफ है कि अखिलेश और जयंत में गठबंधन पक्का है और सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सपा और रालोद की इस गठबंधन रैली को लेकर क्या सोचते हैं रालोद? हमारे संवाददाता ने सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर और रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह से खास बातचीत की। गठबंधन की परिवर्तन संदेश रैली में पहुंचे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं में जोश भर गए और ये संकल्प और संदेश भी दे गए कि अब एकजुट हो जाइए, बीजेपी में परिवर्तन होकर रहेगा। इस परिवर्तन संदेश रैली के बाद क्या है कार्यकर्ताओं की सोच, क्या वो सोच रहे हैं इस गठबंधन को लेकर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर साहब और राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी हैं। पहले हम शाहिद मंजूर साहब से बात करते हैं। शाहिद मंजूर साहब, एक चीज बताइए, जिस तरीके से रैली की तैयारियां चल रही थी, गठबंधन की तस्वीर भी लगभग साफ कर गए हैं कि गठबंधन हो गया, यूपी में बदलाव होकर रहेगा, आप क्या लग रहा है? देखिए, 2013 में उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी इस प्रदेश की और देश की फिजा खराब करने की। उन्होंने शुरुआत करी थी झूठे नारे देने की, उन्होंने शुरुआत करी थी उन सब बातों की जो ना होने वाली थी और जनता को भ्रमित करके
हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को आपस में लड़ा के वो सक्सेस हो गए 2014 में चुनाव में आ गए। हमारी सरकार आई फिर उन्होंने नित नए जो समाज को बांटने के काम थे वो काम किए, उससे जनता भ्रमित हुई। ऐसी राजनीति का जिसका शुरू से लेकर आज तक एक ही काम है, जुमले बोलो और देश को बेचो। जितनी संपदा थी देश की, आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, सारी संपदाओं को ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। एक सवाल और बताइए, अखिलेश यादव सीधा कहकर गए हैं चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत को बचा लीजिए, किस तरीके से इस गठबंधन के बाद विरासत को बचाने की जंग चलेगी? चौधरी साहब की विरासत हिंदू मुस्लिम एकता थी, चौधरी साहब की विरासत गंगा जमुनी तहजीब थी, चौधरी चरण सिंह की विरासत किसानों को आगे बढ़ानी थी, उनके फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने की थी, जो लोग वंचित हैं उनको आगे बढ़ाने की थी। उसी विरासत को दोनों नेता मिलकर आगे बढ़ाएंगे, जो यही विरासत है चौधरी साहब की, दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे। यशवीर साहब, आपने सुना कि दोनों मिलकर उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, आप क्या लग रहा है, दोनों एक मंच पर थे और सीधा कह गए नौजवान किसान सब एक हो जाइए, यूपी में परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने आज देखा है, आपको याद है कि आज़ादी की लड़ाई भी यहीं से लड़ी गई, ये मेरठ की धरती है और इसलिए यहाँ से जो आज बिगुल बजा है और दोनों हमारे नेताओं ने बजाया है और जनता ने जो समर्थन दिया है और इनके झूठ बोलने का जो पर्दाफाश हुआ है, वो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये लड़ाई जा रही है काले अंग्रेजों के खिलाफ। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है, वो भी बांटने का काम करते थे, ये भी बांटने का काम करते हैं, किसान को निपटाने का काम करते हैं, मजदूर को, नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है आदरणीय जैन चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये बदलाव की आंधी है जो मेरठ से शुरू हुई है और ये यूपी को ख़त्म करेगी 2022 में और दिल्ली को ख़त्म करेगी 2024 में। क्या सीटों को लेकर कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ये लड़ेंगे यहाँ ये लड़ेंगे, कुछ हल्का सा नेताओं को ये रहे कि भैया? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 96 में चुनाव हुए थे असेंबली के और खुद मेरी सीट लोकदल के खाते में चली गई थी, लोकदल के कैंडिडेट लड़े और हमारे क्षेत्र से कठौर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। हमारे सामने समाजवादी पार्टी के लोकदल के सामने सीटों का अब कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को टिकट मिले किसी को हमारे नेता लड़ाएं, जिसको लड़ाएंगे जनता गठबंधन को वोट करेगी, टिकटों का कोई मायना न कल थे न आज टिकटों का कोई मायना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों नेताओं का साफ कहना है टिकटों का कोई मायने नहीं है, यहाँ पर दिल भी मिले हैं, दोनों दलों के दिल मिले हुए हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसे मजबूती से लड़ाया जाएगा और इस बार बदलाव यूपी में होकर रहेगा, इन दोनों नेताओं ने कहा है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। उधर मेरठ में सपा रालोद की रैली में बड़ी अव्यवस्था देखी, भीड़ ने डोर मेटल डिटेक्टर तोड़ दिया, भारी संख्या में भारी भीड़ मंच के पास पहुंच गई, भीड़ को काबू करने का कोई इंतजाम वहां पर नहीं था, भारी भीड़ से परेशान जैन चौधरी और अखिलेश यादव रहे। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में शामिल होने वाले लोगों के नाम को स्पष्ट करने की सरकार से मांग की है, साथ ही उन्होंने सरकार पर शब्दों के हेरफेर करने का आरोप लगाया है। बेहद अहम रहा एसकेएम की बैठक में, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई जो काफी अहम थी और ऐसा लग रहा है कि आंदोलन किसी निर्णायक स्थिति में जा रहा है, लेकिन क्या वाकई निर्णायक स्थिति में जा रहा है ये जानने के लिए हम राकेश टिकैत साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन मंगलवार का दिन बहुत अहम रहा, बुधवार का दिन भी अहम रहने वाला है, तो पहले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे और फिर बुध का दिन कितना अहम रहने वाला है? आज भी मीटिंग वहाँ पे हुई, जो उन्होंने लेटर भेजा था, जो चिट्ठी भेजी उस पे मीटिंगें हुई, दो तीन चीजों पे ऑब्जेक्शन है वो उनको वापसी भेज दिया कि इसका जवाब हो रहा है। जी, वो ऑब्जेक्शन बता दीजिए क्या क्या ऑब्जेक्शन है? एमएसपी वाले पे एक ऑब्जेक्शन है और जो मुकदमे हैं उस पे ऑब्जेक्शन है, मुकदमों वालों पे, दिल्ली के जो ट्रैक्टर है उस पे है, तो कुछ चीजें ये है कि वो बैठ के तय होगी, उसमें चिट्ठी में नहीं है, वो बैठ के तय होगी और सरकार को दिल्ली वाले उसको तो काम शुरू कर देना चाहिए जो ट्रैक्टर वगैरह है। जी, तो कितने परसेंट लगा कि अभी बात कितने परसेंट बन गई, क्या समझे उसको? बात तो सर तो उनका लग रहा कि काफी चीजें वे करने का चाह रहे जी, लेकिन कुछ उनकी कंडीशन है जी, उस पर संयुक्त मोर्चा क्या कहता है जी, थोड़ा वो ही जानना चाहेंगे क्या कंडीशन है? ये है कि मुकदमे जब वापसी होंगे पहले आंदोलन खत्म होगा जी, तो उस पर नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा, उस पर बैठ के जब तक रूबरू आदमी नहीं बैठेगा कौन उसमें अधिकारी रहेंगे,
उसके बाद में संयुक्त मोर्चा किससे बात करेगा, तो वे ऑथेंटिक लोग रहने चाहिए कि किससे बातचीत करेगा फिर। यानी अभी जहां बात थी, हम इस तरह से सरल शब्दों में समझें कि आप ये चाहते हैं कि बातचीत हो, टेबल बीच में हो, बातचीत हो, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेटर के माध्यम से प्रस्ताव आ गया, उस पर जवाब आ जाए, इस पर आंदोलन किसी ने नहीं, बैठ कर तो जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होगी ना, जिम्मेदारी आदमी पे तय होती है, किसी कंप्यूटर पर तय नहीं होती जी। भाई आदमी होता है ना, उसी की तो जिम्मेदारी होती है, वो कंप्यूटर है, ऑफिस पर तो जिम्मेदारी तय नहीं होती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा से खास बातचीत की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के भव्यतम रूप लेके पूरी तरीके से तैयार है और बस इंतजार है काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री का, कि 13 दिसंबर को आए और वो उसका लोकार्पण करें। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं महाराज जी कैसा स्वरूप बाबा का आया, मतलब इतने वर्षों बाद विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है। यह भगवान के राजराजेश्वर रूप की झांकी है और वह झांकी शायद बहुत चिर प्रतीक्षा के बाद आज दृष्टिगोचर हो रही है। तो होना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन शायद भगवत प्रेरणा से यह कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ही होना था, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रिय सांसद हैं और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके ये उनका यह भाग्योदय है और यह केवल श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के जगतगुरु के यात्रा का भी यह लोकार्पण और उद्घाटन है। भारत के विश्वगुरु बनने की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसका भी यह उद्घाटन है और भारतीय संस्कृति की, भारतीय परम्परा की, ज्ञान विज्ञान की, उसकी पुनः प्रतिष्ठापना का भी यह उद्घाटन है और यह आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ यह मंदिर, जहां पर गलियों से लोग अशक्त वृद्ध रोगी इत्यादि नहीं आ पा सकते थे और इतना गलियों के अंदर यह पैक था यह मंदिर, आज यह 52,000 स्क्वायर मीटर के दायरे से ज़्यादा के क्षेत्रफल में इतना सुंदर, सुविस्तृत, सुव्यवस्थित यह श्री काशी विश्वनाथ धाम, जब माँ गंगा के दर्शन करके, माँ गंगा में स्नान करके धर्म प्राण भक्त यहाँ तो न केवल भारत के अपितु विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। भव्य मंदिर जिसकी लागत 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आई है, 450 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया गया विस्थापितों को, बाकी 450 करोड़ रुपए में इसका भव्य निर्माण कराया गया है, जो कि सनातन धर्मी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितना जोश और उत्साह बनारस वासियों के अलावा देश विदेश में पहले तमाम सनातन धर्मी हैं उनके अंदर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो लोगों का क्या मतलब कितना हर्ष का माहौल होगा यहाँ पे, ये देखने लायक होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। हाथरस के सेठ फूलचंद बागला महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय महिला पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आयोजन हुआ, जिसमें कई जिलों से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। डॉक्टर सत्यदेव पचौरी ने बताया कि कोरोना काल में भी प्रतियोगिताओं पर विराम लग गया था, यह अंतर महाविद्यालय की प्रथम महिला पुरुष प्रतियोगिता की गई है, जिसमें पुरुषों में 24 और महिलाओं में 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों का सिलेक्शन राज्य स्तरीय महाविद्यालय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जो अपने प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। फिल्म अभिनेता सुधांशु पांडे काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बचपन में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आए थे तो सकरी गलियां से होकर बाबा दरबार में पहुंचते थे, लेकिन आज इसकी भव्यता देखने को मिल रही है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि युगों युगों से जो हालात यहाँ के थे उसे बदलकर स्वर्ग जैसा बनाने का कार्य सरकार ने किया है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कि कितना बड़ा परिवर्तन यहाँ पे लाया गया है, किस तरह से लोगों के लिए इतनी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं कि जो लोगों ने खुद सोचा भी नहीं होगा वैसा उनको मिलेगा यहाँ पे, तो ये देख के प्रसन्नता तो बहुत हो रही है।
और मन आज एकदम गदगद हो गया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जिस तरह से दर्शन गुरुजी के आशीर्वाद से हुए हैं, जिस तरह का अभिषेक उन्होंने करवाया है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे कुछ तो ऐसे पुण्य होंगे जो कमाए होंगे मैंने जीवन में, जिसकी वजह से आज इस तरह के दर्शन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, इस तरह का अभिषेक करवाया गुरुजी ने। तो बहुत मतलब मैं इस समय मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है, बहुत आनंद जो है उसका आभास हो रहा है मुझे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।